हेलो हेलो मामा, मामा आप मिले बिना वापस क्यों चली गई? आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? आपके बिना मैं अकेली हो गई हूँ मामा। आई एम सॉरी रितु बेटा, मुझे किसी मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। मामा मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि शूटिंग पर जाऊं या होटल के इस रूम में बैठी रहूं। मैं बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमी है मुझे। नहीं रितु बेटा, तुम में कोई कमी नहीं है। Why do you think like that? जब तुम एल्बम करोगी तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानती हूं एक मौका हाथ से निकल जाने पर दिल में कसक बाकी रह जाती है। बेटा तुम्हारे बिन मेरा भी कुछ नहीं है। आई लव यू बेटा, आई मिस यू। आई मिस यू मम्मा। बाय। हाय। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि रात भर ठीक से सो नहीं पाई। कोई पर्सनल प्रॉब्लम? मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी डिस्टर्ब नहीं करती जय। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि रात भर के जागे हुए तो तुम हो। आई लाइक दैट जोक। मजाक करना कोई तुमसे सीखे। वैसे तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर कपूर के लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मेरी कंपनी ने तुम्हारे हस्बैंड को कुछ शेयर्स अलॉट किए थे, पता है? उसके दाम 100 times ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरे साथ अगर डील करोगी तो लॉस में नहीं रहोगी। अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विजय, अगर अक्षय को तुम पर्सनली कंग्रेचुलेट करो तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारी खुशी मेरी सराहों पर। कहिए सिंघाल साहब, कैसे याद किया? याद तो उनकी आती है जिन्हें लोग भूल जाते हैं। कपूर साहब, आपसे मेरे संबंध भूलने वाले नहीं है। दरअसल आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। मुबारकबाद। किस बात की? कपूर साहब, मेरी कंपनी ने शेयर्स मार्केट में रिकॉर्ड कायम किए हैं। यू नो 100 times ज्यादा बढ़ गए हैं हमारे कंपनी के भाव। 100 times, कैन यू बिलीव दिस? सिंघाल साहब, इसके लिए तो मुबारक आपको ही देनी चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी ने मुझे जो शेयर्स अलॉट किए थे वो तो मैं पहले ही शेयर्स मार्केट में बेच चुका हूं। कमाल है कपूर साहब, आपने मुझे बताया नहीं। सिंघाल साहब, बताने लायक बात होती तो मैं जरूर बताता। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। कुछ लोग जानते ही नहीं कि किस चीज की क्या कदर होती है। एक जरूरी काम याद आ गया, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। See you. हेलो। हाँ आकाश बेटा, क्या हाल है? अच्छा ये बता, सैगल साहब की फैमिली कैसी है? और हमारी यामिनी बिटिया का क्या हाल है? यामिनी ठीक है मामा जी, किसी ना किसी बहाने से वो आपको और बुआ को याद करती रहती है। अच्छा अच्छा, मुझे दीजिए। अब भैया रितु कैसी है? रितु का क्यों, यामिनी का हाल पूछो। मुझे रितु का हाल पूछना है। भैया आप और रितु साथ साथ रुके हुए हो ना? नेहा, हम दोनों एक ही होटल में रुके हैं, पर मैं शशि के साथ ठहरा हूँ। बात करने दे।
हाँ हाँ आकाश, हाँ बेटा शूटिंग कैसी चल रही है तेरी? शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है मामा जी, आज वैसे आखिरी दिन है। वैसे भैया और भाभी का क्या हाल है? वो क्या है कि बहू ने कोई ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली, शायद इसी वजह से अक्षय थोड़ा गुमसुम सा रहता है। मगर तू चिंता मत कर बेटा, तू अपने काम पे ध्यान कर, मैं हूं ना यहाँ, तेरे आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हम तुझे फिर बाद में फोन करेंगे, ओके? जी तेरा। अनु डार्लिंग, भाई तुम्हारी आवाज सुनते ही शूटिंग की सारी थकान दूर हो गई। ऐसा लगता है रामपुर शूटिंग करने नहीं बल्कि तफरी के लिए आया था। शूटिंग खत्म हो गई तो वहां क्या कर रहे हो? घर वापस आने का इरादा नहीं? भाई निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अफसोस इस बात का है कि सफर तुम्हारे बगैर करना पड़ेगा। क्यों? रितु नहीं है तुम्हारे पास? रितु आकाश के साथ सैगल साहब की फैमिली को मिलने गई है, उसी के साथ मुंबई पहुंचेगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी दोस्त का क्या हाल है भाई, जो तुम्हें हमसे दूर करती जा रही है? रमन, हमें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। ये हुई ना बात, शाम तक पहुंच जाऊंगा। बाय डार्लिंग। रोहन से बात कर रही थी? हाँ वो आज शाम तक पहुंच गुड, अभी तक नहीं है। अनु 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। किजी, हैव यू गॉन मैड? तो पागल हो गई है क्या? पैसे नहीं मिले तो सचमुच पागल हो जाऊं? अरे जो पैसे मैंने तुम्हें पहले दिए थे, मैं अभी तक वो ही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं रमन को क्या जवाब दूंगी। बट रमेश, इतनी छोटी रकम के लिए रमन थोड़ी ना तुमसे हिसाब मांगेगा। He's your husband, भरोसा है तुम पर उसे। उसे तो पता भी नहीं चलेगा। Come on, hurry up. I'm getting late. Please, hurry up. Kitty, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? जब यामिनी पैदा हुई थी मैंने तुमसे कोई सवाल किया था? और तुम हो सवाल पर सवाल किए जा रही हो? ओके बट रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। ओके ओके स्वीटी, इस बार तो प्लीज। थैंक्स, यू आर सच अ डॉल। आकाश रे तो आप आइए आइए। अम्मा बाबूजी देखिए कौन आया है, आइए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। आओ ना, आओ आकाश। आओ रे तू, आओ आकाश। क्यों भाई आकाश, अब तो तुम खुश हो? तुम्हारे एल्बम का काम भी पूरा हो गया? हाँ बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ और इस एल्बम से मुझे बहुत उम्मीद है। बेटे जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसकी उम्मीदें जरूर पूरी होती हैं। रितु तुम अपने पापा को नहीं लाई? नहीं अम्मा, पापा ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दे दी और वो मुंबई वापस चले गए, उन्हें बहुत अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। मैं तो आकाश के साथ वापस जा रही हूँ। मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, दरअसल हम लोग जाने से पहले आपकी इजाजत लेने आए। बाऊजी
यहाँ आकर बहुत मजा आया। एक हफ्ता कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। बेटा रामपुर है ही इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ पहाड़ हैं, झरने हैं, कितनी हरियाली है यहाँ। रितु तुम अपने शास्त्रीय संगीत का रियाज जारी रखना। देखो जब जब तुम रियाज करोगी ना बेटे, तुम्हें हम सबकी बहुत याद आएगी। रितु बाऊजी ठीक कह रहे हैं, जब तक संगीत में दिल की धड़कन महसूस ना हो तब तक संगीत की साधना पूरी नहीं होती है। मुझे पता है आकाश, इसीलिए मैंने बाऊजी को अपना गुरु बना लिया है। रितु मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे। बाऊजी पापा मुझसे कहकर गए हैं कि मैं आप सबको इनवाइट करूं म्यूजिक रिलीज फंक्शन के लिए, आप सबको आना पड़ेगा मुंबई। बेटे रितु मैं तुम्हारी भावना का आदर करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है हम में से अब कभी कोई भी मुंबई नहीं जा पाएगा। देख रही मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो पैसा ब्रीफकेस में लेकर